ये मगन जी की दुकान कहाँ है? वो वहां पर। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा सिक्के इकट्ठा करना था। ये जो बच्चा है ना, यीशु, इसी ने चोरी की है। यीशु कहाँ है? यीशु भैया, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। विश्वास कीजिए, हम अभी भी प्रतियोगिता जीत सकते हैं। आप कहते हैं ना कि हर चीज की कीमत होती है, इसलिए मैं आपसे पूछा जाता हूँ कि ये कीमत तय कौन करता है और किस आधार पर करता है? मैरी, हमारे नन्हे से यीशु के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सब हैरान है। ऐसा लगता है हमारा यीशु हमारी पलक झपकने की रफ्तार से कितना बड़ा हो रहा है। हिम्मत अगर गुड़ की बेली की हो तो वो साधारण बन जाती है, लेकिन अगर गुड़ की बेली असाधारण हो तो वो अमूल्य बन जाती है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यीशु, कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये देखिए, ये वही गुड़ की बेली है जो आपने मुझे मेले के पहले दिन बेची थी, और इसी बेली की मदद से हमें प्रतियोगिता जीत सकते हैं। सूरज डूबने वाला, प्रतियोगिता खत्म होने में बस कुछ ही देर बाकी है। पता नहीं यीशु क्या करने वाला है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ? गुड़ की भेली, दो सिक्के की है। हाँ, सही कहा आपने। साधारण गुड़ की भेली की कीमत दो सिक्के है, लेकिन मेरे हाथ में जो गुड़ की भेली है वो साधारण है, बहुत खास, बहुत मूल्यवान। इतनी कि यहाँ मौजूद सारे लोग इसे खरीद पाने की क्षमता नहीं रखते हो। क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं खरीद सकते भला? ऐसे बोल रहे हो जैसे इस गुड़ की भेली में हीरे जवाहरात जड़े हो। अरे क्या खास है तुम्हारी गुड़ की भेली में? खास बात यह है कि गुड़ की भेली बहुत खास सामग्रियों से तैयार हुई है। अच्छा, जरा हम भी तो सुने, ऐसी क्या खास सामग्री है इसमें? ऐसी बातें करना कहाँ से सीखा यीशु ने? मैंने उसे सिखाया तो था, लेकिन पता नहीं। लेकिन यीशु करने क्या वाला? मेरे यीशु भैया जीतने वाले हैं या कुछ? नहीं आशा, ये तो अब हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है बड़े भैया, क्योंकि वो कोई और नहीं यीशु है। इस गुड़ की बेली में जो खास सामग्री डाली हुई है वो है एक पिता का प्यार। इससे अपनी जिंदगी में कभी गुड़ की भेली ना खाई हो और उनके पास इससे जुड़ी हुई मीठी मीठी यादें होंगी। जैसे मुझे याद है कि जब माँ मुझे पहली बार बाजार लेकर गई थी, हम दोनों ने मिलकर ये गुड़ खरीदा था। वो मेरी पहली खरीदारी थी, और जब मैं घर आया तो पिताजी ने मुझे अपने हाथों से गुड़ खिलाया। मेरे लिए इस गुड़ से जुड़ी वो ऐसी याद है जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इसकी मिठास के साथ मेरे माता पिता के प्यार की मिठास भी जुड़ी हुई है। मकन चाचा के बेटे भी बचपन में उनके साथ उनकी दुकान पर बैठा करते थे, और मकन चाचा अपने हाथों से खाने के बाद
उन्हें गुड़ खिलाते थे, इसलिए मक्खन चाचा की दुकान का एक गुड़ बहुत अनमोल है। मेरा बेटा ठीक तुम्हारी उम्र का ही है। मैंने पता नहीं कहां कहां से उसके लिए महंगे महंगे खिलौने खरीदे, पर अपने काम धंधे में फंसकर कभी उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाया कि उसके साथ खेल सकूं, उसे अपने हाथों से निवाला खिला सकूं, उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देख सकूं, उसे ऐसी यादें दे सकूं जो बड़ा होने पर वो याद करके मुस्कुरा सके। तुम इस भेली की जो भी कीमत लगाओगे ना, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। ये 100 सिक्के, क्या इन्हें लेकर तुम मुझे वो भेली दे सकते हो? मैं इससे ज्यादा सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पिता की तरह मेरे पिताजी भी बचपन में मुझे खाना खाने के बाद गुड़ खिलाया करते थे। कामयाबी के नशे में मैं इतना मशरूफ हो गया कि कितने वर्षों से मैं उनसे मिल नहीं पाया। मैं चाहता हूँ ये गुड़ की भेली मुझे मिल जाए तो मैं उनके पास जाकर उनसे मिलकर एक बार फिर से अपना बचपन जी लूं। अगर तुम ये भेली मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगा। मैं और मेरी बहन बचपन में भेली खाया करते थे। अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं उसकी याद में इसे खरीदना चाहता हूँ। मैं इन दोनों व्यापारियों से ज्यादा सिक्के दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैंने इस भेली को खरीदने की बात की थी। मैं दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मेरे हिसाब से तो आप तीनों को ये गुड़ की भेली मिलनी चाहिए, लेकिन गुड़ की भेली तो एक ही है। एक काम करें, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग आपस में मिलकर फैसला कीजिए कि गुड़ की भेली किसको मिलनी चाहिए। एक तरीका हो सकता है, हम इस गुड़ की भेली की बोली लगाते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा ये गुड़ की भेली उसे ही मिलेगी। कहिए, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। मैरी, यीशु की इतनी प्यारी बातों ने सबके मन की भावनाओं को झकझोर दिया है। ये यीशु की बातों का जादू है जो 3 व्यापारी एक गुड़ की भेली के लिए लड़ रहे हैं। आप जैसा पिता पाकर ही तो यीशु बाप बेटे के अनमोल रिश्ते को समझ पाया है। तभी तो वो मगन जी की पीड़ा को इतने अच्छे से महसूस कर पा रहा है और उनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। मैं तो यही कहूंगी, यीशु के हर शब्द में आप ही का प्यार छलक रहा है। इस एक गुड़ की भेली के लिए इन 3 व्यापारियों के बीच अब बोली शुरू होती है। मैं अपनी बोली लगा चुका हूँ, 100 सिक्के। पहले हम ये गुड़ 2 सिक्के में बेच रहे थे, लेकिन अब इसका दाम 100 सिक्के हो गया है। हम अभी भी प्रतियोगिता जीत सकते हैं। 220 सिक्के, 250 सिक्के। यीशु, अभी तक सिर्फ 250 सिक्के आते हुए दिख रहे हैं। हमें विनीत जी को हराने के लिए 1500 से ज्यादा सिक्के चाहिए। पर यीशु भैया, क्या आपको लगता है कि कोई हमारे गुड़ के भेले को इतने ऊंचे दामों में खरीदेगा? हमें बस अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, बाकी परमपिता परमेश्वर की मर्जी। मैं सोच रहा था कि हम गुड़ की भेली सजा कर रखे ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ खींचे और वो ऊंचे दामों पर इसे खरीदे। ये लो आशा, ये तुम काम करो। लाओ, मुझे दो ये। मुझसे अच्छा ये काम कौन कर सकता? याकूब, यीशु मैंने मुझे करने को कहा है। जिद मत करो आशा, मैं कर रहा हूँ ना। 600 सिक्के, 600 सिक्के।
ठीक है, आप जीत गए। 600 सिक्के देकर ले लीजिए गुड़ की भेली। सबसे बड़ी बोली लगाकर गुड़ की भेली इनकी हुई। रहे 600 सिक्के। अब मुझे वो गुड़ की भेली दे दो, मैं उसे लेकर अपने बेटे के पास जाना चाहता हूं। परमपिता परमेश्वर, भेली तो टूट गई, लेकिन अगर इन व्यापारियों को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा तो आज एक नहीं दो पिता अपने बेटों से जुड़ नहीं पाएंगे। मेरी मदद कीजिए परमपिता, ताकि मैं उन दोनों पिताओं की उम्मीद टूटने से बचा सकूं। बेटा वो गुड़ की भेली दो ना मुझे। सबकी मदद करने के लिए बहुत बहुत आभार परमपिता। काश तुम्हारे पास एक भेली और होती, मैं अपने पिताजी के लिए ले जा पाता। क्या पता आप सच में ऐसा कर पाए। तुम्हारे पास तो एक ही भेली थी, फिर ये दूसरी भेली कहाँ से आई? इसे आप परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद समझ कर ले लीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ये भेली लेकर अपने पिता के पास जाएं और अपना बचपन फिर से पाएं। मैं इसके 400 सिक्के दे सकता हूँ। आप इसे ले जाइए, बचपन में आपके पिता आपको खिलाया करते थे, अब आप अपने हाथों से उन्हें खिलाना। काश के ईश्वर अपनी कृपा मेरे पे भी करते। हे परमपिता, आपने इन दोनों की इच्छा पूरी की, अब इन्हें भी निराश मत कीजिए। परमपिता
परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। देखिए आपने परमपिता परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना की और उन्होंने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, पर ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। बहुत बहुत आभार तुम्हारा। ये लो सिक्के। सुनो सुनो सुनो, वार्षिक प्रतियोगिता का फैसला आने वाला है। जिसने इस मेले में सबसे ज्यादा सिक्के कमाए होंगे उसे विजयी घोषित किया जाएगा। अब क्या होगा यीशु भैया, हमारे पास तो सिर्फ 1400 सिक्के हैं। अभी भी विनीत जी हमसे आगे। मैं जीतूं या हारूं इसकी मुझे परवाह नहीं है, ये तो मेरी किस्मत। तुमने एक भेली गुड़ को कैसे 3 भेली बना दिया ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज तुमने 2 सिक्कों की गुड़ की भेली को 1400 सिक्कों में बेच दिया। तुमने मेले के सारे व्यापारियों को पीछे छोड़ दिया। यीशु, मेरे बेटे के साथ मेरे रिश्ते का तो जो होना है सो तो हो गई ही। अभी चलो हम सब सर ऊंचा करके प्रतियोगिता का परिणाम देखते हैं। जी चाचा जी। गिनती जारी है, जिसकी कमाई सबसे ज्यादा होगी वही जीतेगा और इनाम में उसे 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मुकाबला अब सिर्फ मगन जी और विनीत जी के बीच रह गया है। मेले के अध्यक्ष तय करेंगे कि दोनों में से कौन जीता। बुरा लग रहा है आपके लिए कि सिर्फ 100 सिक्कों की वजह से आज आप हार जाएंगे मुझसे। और ये 1400 मगन जी की पूरी कमाई है, 1400 सिक्के। अब हम विनीत जी की कमाई गिनेंगे। और ये 1400। विनीत जी की कमाई भी 1400 सिक्के ही हैं। विनीत जी की कमाई भी 1400 सिक्के ही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, मेरे पास पूरे 1500 सिक्के थे। मेरे सहायक ने खुद बताया था मुझे। गिनती तो आपके सामने ही हुई है विनीत जी, हो सकता है कि आपके सहायक से कोई गलती हुई हो। क्योंकि आप दोनों की कमाई बराबर है इसलिए आप दोनों विजेता हुए, इसलिए आप दोनों को इनाम के तौर पर 5-5 सिक्के दिए जाएंगे। मेरा नाम विनीत जी के साथ जुड़े ये मुझे मंजूर नहीं। आपके सिक्कों वाली पेटी कहाँ है मगन चाचा? दुकान में ही होगी, नीचे जो एक टोकरी है उसी के अंदर। लेकिन वो तो खाली होगी। आपने अभी बताया कि विनीत जी और मकन चाचा की कमाई एक बराबर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मकन चाचा के पास एक भी सिक्का और हुआ तो वो जीत जाएंगे। सिक्का एक हो या हजार, जिसके पास ज्यादा होंगे वही विजेता होगा। अगर ऐसा है तो आप मकन चाचा को विजेता घोषित कर सकते हैं।
मक्खन चाचा, आपने मुझे बताया था कि अगर बोनी अच्छी हो तो सब अच्छा होता है। आपकी पहली गुड़ की भेली ये दो सिक्के देखकर मैंने खरीदी थी। तुम दो ही सिक्के दो और ये भेली ले जाओ। इन दो सिक्कों की मदद से मगन जी के पास 1402 सिक्के हो गए हैं और विनीत जी के पास अभी भी 1400 सिक्के हैं। इसलिए बिना किसी संदेह के इस प्रतियोगिता के विजेता हैं मगन जी।